तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अभियान एवं काकोरी रेल एक्शन दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर वीरों को नमन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बुंदेलखंड से आए कुलदीप चौहान और दीपांशी ने आज़ादी से ओतप्रोत देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। गीत के माध्यम से उन्होंने ऐसा समा बांधा कि उपस्थित लोगों के जहन में देश की आज़ादी में शहीद हुए बलिदानियों की याद ताज़ा हो गई। इसके अलावा विभिन्न मंचन के जरिए कार्यक्रम में भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले अमर शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर महापौर सुषमा खरकवाल, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, भुक्कल नवाब महेंद्र सिंह, अवनीश द्विवेदी, राजेश्वर सिंह, योगेश शुक्ला, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, मुकेश मेश्राम आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने के लिए संकल्प को साकार करेंगे। आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पीएम मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में जाति, मजहब, भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। अगले 25 साल की अमृत योजना के साथ जुड़ने का एक बड़ा अवसर है। पंच प्रण को स्वीकार कर एक विकसित भारत में योगदान करना भारत माँ को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए जनजातीय दिवस के रूप में उनका संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज का यह दिन भी है जब जनजातीय समुदाय को समाज और राष्ट्र के साथ उनके संकल्पों के साथ जुड़ने का आह्वान भी हम सब इस अवसर पर करते हैं। मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों से मेरी माटी मेरे देश के इस अभियान के साथ जुड़ने, इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत नगर निकाय में शिला फलकम के माध्यम से पंच प्रण के इस अभियान के साथ हम सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी भारत माता के महान सपूतों को, वीर शहीदों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।